गाइज वेलकम बैक टू अर्चना ब्लॉग। अर्चना ब्लॉग में आपको तहे दिल से स्वागत है। तो गाइज आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज रामनवमी का पूजा है, तो अंदर बाहर सब अच्छे से धोना रहता है। पहले सबसे पहले घर का साफ सफाई कीजिए, जितना भी मतलब कि यही नियम है, पुश्तैनी नियम को फॉलो करते आ रहे हैं। तो ऊपर से लेके छत से लेके नीचे तक धोना रहता है। तो सुबह से उठ के धोबा धोबी ख़त्म हुआ है, तो सब्जी उब्जी कटिंग करके रख लिए हैं और इधर दूध चढ़ा दिए हैं तो खीर बनाने के लिए, तो खीर पूड़ी सब्जी बनेगा। तो और इधर तेल गरम करने के लिए तो खाना रेडी, और बाबा भी आ ही चुके हैं। तो बाबा ऊपर जाके और अपना सरिया उरिया रहे हैं, जो करना है कर रहे हैं। तो ऊपर उनका भी बहुत सारा काम रहता है। तो देखिए आ गए बाबा, और बाबा को इतना तवाही रहता है कि अपने कॉल पर कॉल, बाबा मंत्र से ज़्यादा कॉल पर बात करते हैं, क्योंकि 50-100 को इनको धाजा करना रहता है और एक एक मिनट एक समय ज़्यादा नहीं देते हैं। तो हर साल ऐसा ही होता है, फिर भी हम लोग का पुश्तैनी बाबा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि गाइस पहले तो एक बाबा से काम चल जाता था, क्योंकि इतना नहीं था कचड़ा। अभी एक एक घर में तीन भाई है, तो तीनों बंटवारा करके तीन धाजा करता है। तो चचा भतीजा पोता दादी सब मतलब एक घर एक एक रूम है, लेकिन धाजा अलग अलग कर लिया। तो भगवान का भी बंटवारा कर लिए हैं लोग, तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी में है। और धाजा पुराना धाजा निकाल रहे हैं, जल्दी से पुराना धाजा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और पुराना धाजा निकालेंगे और नया का प्रोसेस शुरू करेंगे। और इधर देखिए मेरे हस्बैंड नया नया जो कपड़ा रहता है, अमनिया शुद्ध शुद्ध वस्त्र धारण कर रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि पूजा पाठ में एकदम शुद्ध वस्त्र होना चाहिए। अगर आपके पास नया है तो नया पहनिए, लेकिन मेरे यहाँ महीने महीने पूजा हमेशा होते ही रहता है। तब पूर्णिमा पूर्णिमा भी नहीं करा रहे गाइस, पहले कराते रहते थे तो सारे व्यवस्था था, तो वही शुद्ध कपड़ा अलग रखते थे, उसी से तो ये पहनते थे और पूजा करते थे। और अभी नहीं, अभी तो ताज़ा ताज़ा गंजी लाए हैं, और ये गमछी और गंजी रामेश्वर घूमने गए थे तो वहाँ से लेके आए हैं ढेर सारा, तो यही पूजा वूजा में लगा देते हैं और पहन रहे हैं। तो गाइज समय तो लगेगा ही, अभी धीरे 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 बहुत समय लगता है करने में। तो अभी पहनेंगे ये गंजी, और चार बार पांच बार एडिट कर चुके हैं गाइज, एकदम एडिट होने में इतना परेशानी हो रहा है, क्या बोले गाइज। हम तो अपना दुखड़ा सुनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या करें, एकदम एडिट हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, हमको उतना अच्छा से नहीं आता है। तो देखिए सत्यनारायण भगवान का पूजा शुरू हो गया है, और उधर अभी शुरू हुआ है प्रोसेसिंग। अभी हम नहा हुआ के आए हैं, मेरा भी बहुत काम था, तो जब फिर सब काटिंग उटिंग करके स्नान कर लिए हैं, और स्नान करके पहले घर का देवता का पूजा करेंगे, जो मेरा पुश्तैनी देवी देवता है। और फोटो वोटो ज़्यादा था हम पूजा रूम में नहीं रखे हैं गाइस, सादगी में है, एकदम सादगी से है। और ज़्यादा जो तामझाम होता है दिखावा को नहीं करते हैं, कि भगवान तो आत्मा और दिल में रहते हैं, हमको यही मानना है। लेकिन जो फॉर्मलिटी है वो करते रहते हैं, जो पूजा पाठ होना चाहिए वो करते हैं। और देखिए अभी तक ही नहीं लुंगी पहन पाए, 3 घंटा इनको लुंगी पहनने में धोती पहनने में लगता है, और बाबा को एकदम जल्दी जल्दी है। और प्रसाद वसाद अभी तैयार नहीं हुआ है, तो प्रसाद वसाद सब तैयार करेंगे सत्यनारायण भगवान का। अभी तो धाजा का ही तैयारी करेंगे, अभी धाजा का तैयारी नहीं हुआ है, सबसे पहले धाजा गढ़ा जाएगा, उसके बाद सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है, मेरा बाबा का यही कहना है। तो पहले शरीर शुद्धि करा लिए हैं, अब जल को शुद्धि कर रहे हैं। ऐसे तो गंगा जल मेरे यहाँ रहता है, गंगा जी के बगल में ही है मेरा घर, तो गंगा जी का कोई कमी गंगा जल का नहीं रहता है। अब ये धाजा पताका जो कल बास हरा बांस कल ही ले आए थे, और गाय जब तो 5 तल्ला 4 तल्ला सब घर बना लेता, सटल सटल इतना दिक्कत हुआ छत पर खींचने में, मैं हम ही खींच रहे थे। ऊपर से मेरे घर में तो कोई है नहीं है, मैं मेरे हस्बैंड है, तो बड़ा दिक्कत हो रहा था गाय जी तो खींचने में। तो अभी देखिए अब्बास आज धोती है गंगा जल से, उसमें घी और अति सिंदूर लगाए, और उसके बाद उसमें कवर लग गया। अब उसमें पताका 5 पताका बना रहा है, तो मेरे यहाँ 5 पताका बनाते बनता है। तो इसमें माना जाता है कि जिसको जितना लड़का है उसी अनुसार से बनाता है। तो लड़का तो मेरा एक ही है गाइस, और एक मेरे हस्बैंड है दो, और एक ससुर का बनाता है, जो ससुर अभी नहीं है तो नहीं रहते नहीं होता। लेकिन हम एक बार ऐसे ही गच लिए थे कि पताका का
कि हम 5 पताका चढ़ाएंगे तभी से हम चढ़ाते हैं, एक अच्छा हुआ मेरा है। ऐसे तो सब कोई जैसे जिसको जितना लड़का है रहता है उसी अनुसार से पताका बनाता है। अब किसी का 3 बेटा है, पोता है, तो 4 बनाएगा। और सब मतलब कि बोला जाता है कि झंडा गाड़ दिया, लड़का हुआ झंडा गाड़ दिया, तो जिसको जितना बेटा होता है उतना ही पताका लगाया जाता है। तो मेरे यहाँ तो एक ही लड़का है और मेरे हस्बैंड है, और ससुर का एक था, तो ससुर तो अभी नहीं रहे। तो हम 5 को पताखा गछे थे एक बार, कुछ बात हो गया था, पहले में हमको गछने का बहुत बीमारी था, अब तो हम नहीं गछा गछी करते हैं, पहले बहुत हम कोई चीज़ गछ लेते थे। तो 5 पताखा गछे थे, तो 5 पताखा लगाते हैं। और हम दिखा सकते हैं अगल बगल की चीज़, जिसको जितना घर में लड़का है उतना पताखा लगता है उसमें। तो अब गड़ा गया, नया नया जो धाजा था गड़ा गया और पुराना निकल गया। अब इसमें जो भी थोड़ा बहुत प्रोसिंग होगा वो करेंगे, पान का सैली, आम को पल्लो और आरता, ये सब सटाता है बनाता है, तो ये सब कर रहे हैं, ये सब अभी हो रहा है। तो हम अपना ये अभी उपराही में काम कर रहे हैं हम भी इन्हीं लोग के साथ, और नीचे तो हम अपना तैयारी कर चुके हैं, तो 10 से 15 मिनट में मेरा खाना बन ही जाएगा। तो जैसे आरती ख़त्म होगा हम जाके खाना बना शुरू कर देंगे। सब्जी उब्जी तो बना ही लिए हैं, सिर्फ पूड़ी छानना है। तो जल्दी जल्दी में अभी हम अभी ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि बात बाबा को, बाबा अभी इतना बिजी हैं कि सब चीज़ भूल जाते हैं, तो बाबा को एक एक चीज़ बताना पड़ता है, देना पड़ता है हाथ में, तब बाबा को याद आता है। तो अभी दूध वाला जो हम लोग के यहाँ दूध में केला डाल के प्रसादी बनता है, तो वही बनता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में गाय, जिसमें कटुक मसाला मेवा हुआ डाल के बहुत अच्छा से बनाया जाता है। तो अभी घर घर पूजा होता है, तो उतना ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो देखिए अति हवन नहीं अंदर में थी हो रहा है, तो बाहर निकाल के रखे हैं, सुलग नहीं रहता हवन, और वीडियो को काटे हैं थोड़ा बहुत क्योंकि नहीं हो रहा था। अब देखिए बाबा का खाना लेके जा रहे हैं, तो बाबा का खाना अभी ले जाएंगे, बाबा को हड़बड़ी में निकलना है, तो ज़बरदस्ती रोके हैं मेरे हस्बैंड कि खाना खा के जाइए, तो वही खाना देने जा रहे हैं, तो अभी खाना देंगे जाके। और नीचे आ गए थे पट सा, और हम अपना बना लिए अपना खाना, क्योंकि इनको भी ड्यूटी जाना था, बाबा को भी जल्दी जल्दी में खिलाना था, तो बाबा खा रहे हैं अभी। तो वीडियो तो एडिट किए हैं लेकिन उतना बढ़िया से नहीं हुआ गाइज, आप लोग देख के सपोर्ट कीजिए, और थोड़ा जहाँ गलती रहता है बताइए प्लीज़, क्योंकि हमको अब देखिए बाबा और ये दोनों खा रहे हैं, इनको दोनों पूजा जब भी पूजा करते हैं, पूर्णिमा पूर्णिमा भी पूजा होता है मेरे यहाँ, होता था अभी नहीं हो रहा है, तो साथ में ही खाते थे। तो बाबा बहुत अच्छे हैं, बहुत बातचीत करते हैं, मिलनसार है। तो गाइज हमको कुछ प्लीज़ प्लीज़ सब सपोर्ट कीजिए, हमको एकदम नहीं आ रहा है कुछ करने, ब्लॉग व्लॉग बनाने नहीं आता है, और कैसे कैसे करके डालते हैं, और उसमें भी हमको अच्छा सपोर्ट नहीं लगता है। यूट्यूब भी हमको मदद करना चाहिए, यूट्यूब को भी।